FIA की टीमें इशारा फैसल पर वाकई बिजनेस एवेन्यू में निजी सॉफ्टवेयर कंपनी के दफातर में 12 घंटे तवील कार्रवाई के बाद वापस रवाना हो गई। हुकाम ने सॉफ्टवेयर कंपनी का रिकॉर्ड और एक मुलाजिम को हिरासत में ले लिया है। इस बारे में तफसील लेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम अजहर से। एहतशाम, इल्जाम क्या है सॉफ्टवेयर कंपनी पर? देखिए, इशारा फैसल पर जो है ये तजारती इमारत है, इसमें जो है FIA साइबर सेल की जानिब से जो है तकरीबन 12 घंटे तक जो है कार्रवाई जारी रखी गई, क्योंकि यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि इमारत के उनका दफ्तर जो है इमारत के मुख्तलिफ फ्लोर्स पर मौजूद है। वहाँ पर जो है FIA की टीम जो है रात भर मौजूद रही और उनके कंप्यूटर की जो है चेकिंग जारी रही। इसी दौरान जो मुलाजमीन वहाँ पर मौजूद थे उनसे भी जो है पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। 12 घंटे बाद उनकी कार्रवाई मुकम्मल हुई है, तो वहाँ से एक मुलाजिम समेत जो है जो रिकॉर्ड है ऑफिस का उसको जो है तहवील में लिया गया है। FIA ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि मशकूक बैन अल-अक़वामी रवाबित पे जो है 12 घंटे तक FIA की कार्रवाई जारी रही। आपका बहुत शुक्रिया।